अब बात नागौर लोकसभा सीट की। नागौर लोकसभा सीट प्रदेश की हाई वोल्टेज सीट है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और एनडीए के हनुमान बेनीवाल के मुकाबले ने इस सीट को सूबे की हॉट सीटों में शामिल कर दिया है। बेनीवाल एक गर्म मिजाज नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, तो ज्योति मिर्धा एक तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। ऐसे में वोटरों में इनका मुकाबला देखने की दिलचस्पी कुछ ज्यादा है। ज्योति मिर्धा पर बेनीवाल ने तंज कसा कि ज्योति बाहरी हैं, तो इसके जवाब में ज्योति ने कहा कि बाहरी की बात गलत है। पार्टी ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया है, तो वो बाहरी प्रत्याशी कैसे हो। अब तंज की बारी ज्योति की थी, तो उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछते हैं कि आपने काम क्या किया, तो वह कहते हैं कि मैंने लोगों को लड़ना सिखाया, धरना देना सिखाया और संघर्ष करना सिखाया। वास्तविक काम गिनाने के लिए उनके पास है ही नहीं। ज्योति मिर्धा ने कहा कि मुद्दों से भटकाने की बजाय वास्तविक राजनीति करनी चाहिए। दरअसल सोमवार को बेनीवाल ने कहा था कि ज्योति ने क्या काम किया, जीत कर वापस चलेंगे। हमने काम किया और लोगों को संघर्ष करना सिखाया। अब इन प्रत्याशियों की अगर शक्ति संतुलन की बात करें, तो दोनों की मजबूत सियासी जमीन है, दोनों ही तेज तर्रार नेता हैं, वोटर्स पर दोनों का ही प्रभाव है। मुकाबला कांटे का है और परिणाम का सभी को इंतजार है।